दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की पांच ऐसी मूवीज़ के बारे में जो कि एक दिन में सबसे ज़्यादा कमाई किया है। दोस्तों अगर हम सब बात कर रहे हैं इंडियन सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले मूवीज़ को लेकर, तो हम सब इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पांच ऐसी मूवीज को लेकर जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई किया है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक जरूर देख लेना, और वीडियो को देखने के बाद आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और कौन कौन से साउथ और बॉलीवुड मूवीज का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए ला सके उन सारे फिल्मों का अपडेट। तो दोस्तों शुरू करते हैं नंबर पांच को लेकर। तो दोस्तों नंबर पांच पर जो नाम आते हैं वो है दोस्तों आमिर खान की मूवी दंगल का। जी हाँ दोस्तों, इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ा मूवी यानी के आमिर खान की दंगल मूवी है नंबर पांच पर, जो के एक दिन में कमाई किया है 42 करोड़ से भी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इस मूवी ने अपने पहले दिन कमाई किया है 29 करोड़, वहीं इस मूवी ने अपने तीसरे दिन कमाई किया है 42 करोड़ से भी ज्यादा। और ये मूवी इंडियन सिनेमा की एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज में नंबर पांच पर आए हैं। और आप सभी को बता दो दोस्तों कि ये मूवी इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाला पहला मूवी है जिसने 2000 करोड़ का कलेक्शन किया है, और ये मूवी चाइना से ही 1300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर चार को लेकर, और नंबर चार पर नाम आते हैं शाहरुख खान की मूवी हैप्पी न्यू ईयर का। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी ने एक दिन में कमाई किया है 44 करोड़ से भी ज्यादा। दिवाली 2016 में रिलीज हुआ हैप्पी न्यू ईयर मूवी ने जितना कमाई किया है वो आज तक का रिकॉर्ड है, जिसे कोई भी नहीं तोड़ पाया है। आप सभी को बता दो दोस्तों कि इस मूवी पर शाहरुख खान के साथ साथ दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बमन ईरानी जैसे कलाकार भी इस मूवी पर काम किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर तीन को लेकर। तो दोस्तों नंबर तीन पर नाम आते हैं सुपरस्टार सलमान खान का मूवी टाइगर जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, साल 2017 पर रिलीज किया गया इस मूवी ने एक दिन में 45 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई किया है, और ये मूवी सलमान खान की मूवी एक द टाइगर का सीक्वल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर दो को लेकर। तो दोस्तों नंबर दो पर नाम आते हैं हमारे चाहते सुपरस्टार प्रभास का मूवी बाहुबली का। जी हाँ दोस्तों, इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा मूवी कहा जाने वाला मूवी बाहुबली ने एक दिन में कमाई किया है 218 करोड़, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था, और हम सब बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की कलेक्शन का। तो दोस्तों इस मूवी ने एक दिन में कमाई किया है 46 करोड़ से भी ज्यादा, और ये मूवी आज भी इंडियन सिनेमा की हिंदी वर्षन में रिलीज की गई सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मूवी है, और इस मूवी का टोटल कलेक्शन है 520 करोड़। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर एक को लेकर। तो दोस्तों नंबर एक पर नाम आते हैं साल 2018 में रिलीज किया गया रणबीर कपूर का मूवी संजू का, जो के सुपरस्टार संजय दत्त का जीवन पर आधारित है, और इस मूवी ने एक दिन में कमाई किया है लगभग 47 करोड़ से भी ज्यादा, और ये मूवी एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मूवी है। तो दोस्तों किसी भी नए और पुराने हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ मूवीज को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करें, आपको वहां पर मिलेगी नए और पुराने हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज। तो दोस्तों आप लोग अगर बंगाली समझते हो तो हमारे बंगाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहां पर मिलेगी बंगाली रैंडम वीडियोस। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए बंगाली रैंडम वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी एक दूसरी बड़ी अपडेट्स में, तब तक के लिए आप रखिए अपना और अपने परिवारों का ख्याल। तो चलता हूँ दोस्तों आज के लिए अलविदा।